ये है Google Pixel 6 Pro और इसके अंदर Google की अपनी खेती Google Tensor चिपसेट लगा हुआ है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, अब से टेंसर मेरा यार Qualcomm Snapdragon से हो गया है टकरार। वैसे देखा जाए तो Android वर्ल्ड में MediaTek, Qualcomm और टेंसर भिड़ने वाले हैं विद पापा, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा अपने आईफोन 12 के साथ और भाई काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है। लिटरली एक साल पुराना आईफोन है, इसके अंदर है एप्पल बायोनिक A14 और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। इसके अंदर जो टेंसर चिपसेट है वो आपको स्नैपड्रैगन 870 के आसपास है। तो दोनों ही फोन की स्पीड टेस्ट कंपैरिजन कर लेंगे और देख लेंगे कौन ज्यादा पावरफुल है। और स्पीड से मुझे आपकी याद आए भाई, आपकी जो उंगलियां इतनी तेज चलती है ना, सब्सक्राइब का बटन उसी तेजी से जकड़ दबाओ। तो अपने स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले दोनों फोन के अंदर जो चिपसेट है एक फ्लैगशिप चिपसेट है, मेन मेरे गूगल टेंसर चिपसेट ट्राई करने के लिए है। उसके अंदर आपको 5 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, काफी छोटा सा होता है, जितना छोटा चिपसेट उतना कम हीटिंग। और ये भाई गूगल का अपना चिपसेट है तो उसमें गूगल के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सही काम कर रही है, गूगल की सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी मिली है। और पिक्सल फोन है तो इसका कैमरा पीछे कैसे रह सकता है, कैमरे के अंदर ISP बहुत स्ट्रांग मिली है आपको। ISP का सिंपल मतलब आप जो फोटो क्लिक करते हो डिटेल अच्छी आएगी, बादल की और आपके दाढ़ी की डिटेल मस्त आएंगे। गूगल ने रात और दिन एक करके मस्त सा कैमरा बनाया है, आपके रात को भी दिन कर देता है ये फोन। दिखाता हूँ आपको फोटो, लिटरली ये फोटो मैंने कल रात में क्लिक किया, ये वाली फोटो भी और इसकी डिटेल देखो। कैमरे के बारे में डिटेल में बात करेंगे दूसरे वाले वीडियो में, अभी स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट। सबसे पहले दोनों ही फोन का आपको क्लियर डाटा कर देते हैं, सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, ब्राइटनेस का लेवल भी सेम कर देते हैं, डार्क मोड भी दोनों में ऑन है, लेवल एकदम सेम हो चुका है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले AnTuTu बेंचमार्क 1, 2, 3। भाई साहब आईफोन इतना आगे, टेस्ट स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3। तो अभी अपना AnTuTu 15 से 20 मिनट लगने वाला है तो देख लेते हैं। डिस्प्ले तो काफी कड़क बनाया है भाई, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसे कर्व वाले फोन में बड़े पसंद है। लेकिन अपना आईफोन कम नहीं है, आईफोन की डिस्प्ले बहुत ज्यादा नेचुरल और सूदिंग से लग रही है, आई प्लीजिंग लग रही है। पिक्सल थोड़ा सा सैचुरेटेड है लेकिन भाई क्वालिटी पिक्सल की मस्त लग रही है, एकदम सेम टू सेम चल रहा है भाई, एकदम कांटे की टक्कर चल रही है यहाँ पे। टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है और आईफोन ने ऑलमोस्ट 20 सेकंड पहले कंप्लीट किया था। स्कोर्स की बात की जाए 7,04,000 है पिक्सल का और 7,20,000 है आईफोन का। आईफोन स्कोर्स में काफी ज्यादा आगे है, GPU के स्कोर्स भी काफी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 30,000 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी आईफोन ने बीट किया है। दूसरा एप्लीकेशन है 3D Mark 1, 2, 3। आईफोन ने पहले खुला है काफी, स्टार्ट करते हैं टेस्ट। दोनों में ही वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट कर रहे हैं, आईफोन नेक्स्ट लेवल स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे पिक्सल में हल्का हल्का लैग दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस तब आता है जब आपका GPU थोड़ा सा कमजोर हो। इतने हेवी ग्राफिक्स को 20 बार लूप में चलाएगा, आईफोन ने 5 बार लूप कंप्लीट कर लिया है, इसने भी 5 बार, लेकिन आईफोन ऑलमोस्ट 5 सेकंड आगे है। इन दोनों का टेम्परेचर ले लेते कौन कितना हॉट हो रहा है, 36.1 डिग्री सेल्सियस है पिक्सल, 34.6 डिग्री है आईफोन। पीछे से भी देख लेते हैं हॉटनेस, पीछे से आईफोन 35.2 है और पिक्सल है 36.6 डिग्री सेल्सियस। FPS, फ्रेम टाइम, हर एक चीज में आईफोन आ गया। आप देखो 12 पे काफी कंसिस्टेंट है, इसमें आपको 10, 11, 9 तक जा रहा है इसके अंदर। फ्रेम में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है और टाइम में भी डिफरेंस है। टेस्टिंग कंप्लीट होने वाली, 20वां लूप चल रहा है भाई और आईफोन का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बरकरार है अभी तक। FPS दोनों का ड्रॉप हो चुके हैं, आईफोन का फ्रेम काफी कंसिस्टेंट है अभी तक और भी काफी डिफरेंस आ रहा है अभी भी। आईफोन का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, स्कोर भी आ चुका है यहाँ पे। स्टेबिलिटी में ऑलमोस्ट 20% का डिफरेंस है और अगर आप यहाँ पे देखो स्ट्रेस में भी काफी ज्यादा आगे था आईफोन, स्टार्टिंग से लेकिन इन तक 500 का डिफरेंस रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर ले लेते हैं एक बार, 39 पिक्सल और आईफोन 37.7, आईफोन हीट भी थोड़ा कम कर रहा है। तीसरा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर, यहाँ पे काफी पहले खुला है पिक्सल भाई, काफी पहले, इतना अपना एप्लीकेशन है। मेरा फेवरेट गेम सबवे सफर डाउनलोड करते हैं, पिक्सल काफी आगे भाई, पिक्सल इंस्टॉल हो चुका है, आईफोन अभी स्टार्ट हुआ है। पिक्सल की डाउनलोडिंग स्पीड काफी जबरदस्त लग रही है, इसको और अच्छा करने के लिए एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं नेटवर्क वाला। मेरा डायलॉग खत्म भी हो गया, आईफोन अभी तक चल ही रहा है डाउनलोड, अभी तक कंप्लीट हुआ है। चलो स्पीड टेस्ट करते हैं इसका, आईफोन ने पहले ओपन किया, स्पीड टेस्ट अलग अलग होती है, पहले आईफोन में करते हैं। सेम वाईफाई 150 Mbps वाला यूज करते हैं हम लोग, आईफोन कंप्लीट हो चुका है पिक्सल, रिजल्ट अपने सामने, एकदम सिमिलर स्कोर आया भाई। लेकिन अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन डाउनलोड की, आईफोन में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं एंड्रॉइड के सामने ऑलमोस्ट डबल डाउनलोड करना पड़ता है उनको, स्टिल पिक्सल बहुत फास्ट था। अब थोड़े से नॉर्मल एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, गूगल न्यूज पहले पिक्सल में खुला है काफी पहले, कैमरा आईफोन में बहुत पहले खुला है, फेसबुक पिक्सल में बहुत पहले खुला है, इंस्टाग्राम एग्जैक्ट सेम टाइम था, मुझे लगता है थोड़ा सा पहले आईफोन में खुला था। और इंस्टाग्राम की बात हो ही गई तो आप मेरा फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आके
@shakibniazi और आपको खूब सारे रील भी मिल जाएंगे। मैं काफी सारे रील बना रहा हूँ और काफी सारे प्लान भी हैं। और मारपीट वाले एप्लीकेशन ट्विटर खोल देते हैं। पिक्सल में थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लगा मुझे। नेक्स्ट VN एप्लीकेशन, इसमें मोबाइल से वीडियोस एडिट होती हैं। आईफोन में बहुत पहले खुला है। एक एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ दोनों ही फोन्स में। एग्जैक्टली सेम वीडियोस आपको लोड कर दी मैंने। अब इसको एक बार डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। 1080p रेजोल्यूशन है और 30 फ्रेम्स है इसके अंदर। एक्सपोर्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। पिक्सल स्टार्टिंग से काफी ज्यादा लीड बनाकर रखा हुआ है इसने। आईफोन का एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है आपको यहाँ पे और अभी पिक्सल चल रहा है। तो यहाँ पे आईफोन अगेन काफी ज्यादा आगे था। अमेजोन ओपन करते हैं। पिक्सल में बहुत पहले खुला है भाई, जहां जहां नेटवर्क का यूज हो रहा है वहां पिक्सल काफी आगे है। अमेजोन इको वाला पेज खोल लेते हैं एक बार। पिक्सल में अगेन आगे है। फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। पिक्सल में बहुत आगे भाई। और अब बारी है अपने फेवरेट पबजी की। और दोनों मोबाइल में पबजी को मैंने अपडेट कर रखा है 2-3। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आईफोन में पहले ओपन होगा क्योंकि इसके ऊपर ग्राफिक्स यूज हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आईफोन में पहले ओपन हुआ था। इसको बैकग्राउंड में चलने देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपने सबवे सफर। दोनों में एकदम फ्रेशली ओपन हो रहा है। ओके, तो पिक्सल आ गया यहाँ पे। पिक्सल काफी ज्यादा आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो कहीं पे पिक्सल आ गए भाई, कहीं पे आईफोन आ गए, लेकिन ग्राफिक्स वाली जितनी भी चीजें उसमें आईफोन ने काफी अच्छा पीछे किया भाई। और जितने भी चीज जहाँ पे नेटवर्क यूज हो रहा है या फिर जहाँ पे डाउनलोड हो रहा है वहाँ पे पिक्सल काफी ज्यादा आ गया। तो दोनों ही फोन एकदम फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे अगर चूज करना पड़े तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहूंगा क्योंकि एकदम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन भाई ग्राफिक्स वाली चीज में आईफोन थोड़ा सा ज्यादा आगे। तो आई होप आपको दोनों ही फोन की पावर का डेफिनेटली पता चल गया होगा भाई। तो और इसी के साथ इस वाले वीडियो के लिए इतने। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं फॉर मोर ऑसम टेक कंटेंट। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। Bye.